तो हड़ौती के 17 सीटों पर बीजेपी की नजर है। सीएम अपनी यात्रा को लेकर के बूंदी के जब हिंडौली पहुंची तो ये सीट भी बेहद खास हुई क्योंकि कांग्रेस की है। तो चैलेंज यहाँ पर कांग्रेस के लिए है, तो बीजेपी के लिए भी है चैलेंज, आम जनता के लिए भी है, पुलिस प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि वारदातें लगातार बढ़ रही है और आज जवाब देना पड़ेगा। मैं हम उसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि आप और हम आखिर महफूज कैसे हैं। राजधानी में जो लूट की घटना सामने आई, हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई, उसकी हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है, 5 लोगों को पकड़ भी लिया है। लेकिन सवाल यही है कि जब पुलिस को पहले से कुछ खबर मिल गई थी, कुछ देर पहले पुलिस वहां पर पहुंची भी थी, तो इतनी बड़ी घटना कैसे सामने आ गई? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। सुलझ गई लूट और मर्डर की मिस्ट्री, पारदी गिरोह का हुआ पर्दाफाश। जी हां, राजधानी को दहला देने वाली लूट और मर्डर की मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है। एक पुलिस अधिकारी की सास के मर्डर और मानसरोवर जैसे पॉश इलाके में लूट की वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। आला अफसरों से लेकर पूरा शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की हालत को लेकर सवालों में था। सवालों की चोट के बीच आखिरकार जागी राजधानी पुलिस। पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में 3 लुटेरे गुर्जर की थड़ी तक जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने आसपास की कच्ची बस्ती से एक बदमाश को पकड़ा तो खुलासा हुआ कि पारदी गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये बदमाश न्यू सांगानेर रोड पर प्रधान वाटिका के पास स्थित सुमेर नगर कच्ची बस्ती में रुके थे। पुलिस की टीम को फौरन मध्य प्रदेश भेजा गया। वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन लुटेरों को ढूंढ निकालने की। इस हाई प्रोफाइल मामले में राजनीति भी गरमाने लगी थी, जिससे पुलिस के ऊपर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त दबाव था। ऐसे में पुलिस ने बड़ी सावधानी से अपराधियों की धरपकड़ का काम शुरू किया। मोहाना थाने में सबसे पहले श्यामनगर में हुआ था, ये 8 और 9 की रात को हुआ था। मोहाना थाना में 12 से 13 की रात को हुआ था और मानसरोवर में ये 14 और 15 की रात को हुआ था। गंभीर अपराध था, इसको हम लोग ने बहुत सारी टीमें बनाई। पुलिस ने तलाशी अभियान सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ाया और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपराधियों तक जा पहुंची। हमें जाग हो गई थी, उसके बाद ये लोग वहां से भाग के गए हैं और खाली प्लॉट पे लोग रहे हैं काफी 1-1.5 घंटा। और फिर इन्होंने जो पुष्पलता जी का, बिसारिया जी का घर है, वहां पे इन्होंने वारदात की। उसके बाद वहां से ये लोग साइकिलें, जो 2 साइकिलें उनके घर के बाहर खड़ी थी, उनको लेके ये लोग लगभग 6 किलोमीटर वापस आए। फिर ये लोग एकत्रित फिर से हुए हैं बदाम सिंह के घर पे और वहाँ से फिर ये लोग अपने अपने रास्ते गए। इसमें से जो 3 जने थे ये लोग गए सबसे पहले झुंझुनू से सीकर आए। झुंझुनू में भी यहाँ वारदात हुई है 14 और 15 की रात को, जो इंटरोगेशन से बात आई है 15 और 16 की रात को इन्होंने। लुटेरों ने पूरी वारदात को पेशेवर अंदाज में अंजाम दिया, लेकिन यहाँ सवाल पुलिस की सजगता पर भी उठते हैं। खुद कमिश्नर साहब ये बताते हैं कि 2 से 3 घंटे पहले ही इन लुटेरों ने एफसीआई के अधिकारी के घर पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन थोड़ी देर तलाशी करने के बाद खाली हाथ लौट आई। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने 2 से 3 घंटे पहले हुई इस कोशिश को इतना हल्के में क्यों लिया? अगर पुलिस चौकन्नी होकर अपना तलाशी अभियान जारी रखती तो शायद लुटेरे इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देने से पहले ही कानून के शिकंजे में आ चुके होते और शायद पुष्पा देवी की जान बच सकती थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस तभी सक्रिय होगी जब लुटेरे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे? ऐसे में असल सवाल तो ये है कि राजधानी में रहने वाले लोग कैसे खुद को महफूज महसूस कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम महफूज होंगे। जब राजधानी का ये हाल है तो सूबे के बाकी हिस्सों की क्या तस्वीर होगी? वहां की जनता खुद को कैसे महफूज महसूस करेगी? इस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपको करा देते हैं। अनिल गोठवाल जी हैं जो कि रिटायर्ड IPS हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की कार्यशैली आखिर ये कैसी रही। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और पंकज मीणा जी जिनकी बहुत जवाबदेही बन जाती है, बीजेपी नेता हैं। तो सबसे पहले जवाब आपसे ही लेते हैं मीणा जी, आखिर कब महफूज होगी यहाँ की जनता? राजधानी का ये हाल है तो बाकी इलाकों की अलग बात करें, अगर हम जिलों की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति होगी सर? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें निश्चित रूप से जयपुर की एक निवासी, एक वृद्धा का हत्या हो गई।
परंतु पुलिस उतनी मुस्तैदी से कब ना काम कर रही थी। और आप ये देखिए, ये एक ब्लाइंड मर्डर और ब्लाइंड लूट की जो घटना थी, जिसमें किसी प्रकार के सुराग ना होने के बावजूद पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और अपनी सूझबूझ से 24 घंटे के अंदर उसका पर्दाफाश किया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर पहले वारदात को रोक लेते तो होने जरूरी था। वारदात हुई ही क्यों मीना जी, जब 2-3 घंटे पहले पुलिस को खबर मिल गई थी तो फिर ये वारदात हुई क्यों? सवाल तो ये है कि क्यों? सुषमा, जो पहले जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम वहाँ मौके पे गई है, और मौके पे जाने के बाद उन्होंने गश्ती भी अपनी तेज की है। सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर पुलिस की टीम वहाँ पहुंच गई, उन्होंने उस पूरी कॉलोनी के अंदर अपने गश्ती बढ़ाई, और उसके बावजूद जब वो नहीं मिले किसी प्रकार के ऐसा तो यही है कि आखिर क्यों नहीं मिले? वो वापस लौट गए। पुष्पेंद्र जी, क्यों ये घटना सामने आई? क्या पुलिस रोक नहीं सकती थी? नहीं, क्यों नहीं रोक सकती थी? देखिए, इस सरकार के अंदर सरकार फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ की पुलिस ये आरोप लगाने से पहले ये बताइए कि क्या जब 2008 से लेकर 2013 में कांग्रेस किसानों पर लाठीचार्ज कर सकती है? और ऐसी कैसी घटना एक महीने पहले हुई है? ये आपके पास ऐसा ये सरकारी फार्मूला है जिससे कोई अपराध ये कह रहे हैं कि पुलिस मुस्तैद है? पुलिस मुस्तैद होती तो ऐसी घटना हो सकती थी? एक महीने पहले ऐसी कैसी घटना यहाँ पे एक दूसरे थाने पर हुई है? दूसरी घटना ऐसी हो गई जिसके अंदर हत्या कर दी गई? पुलिस 2-3 घंटे पहले वहीं पर थी, गश्ती कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये नाक के नीचे से कैसे बच जाते हैं? इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे देते हैं? देखिए, जो पहले वारदात हुई थी उसके अंदर ट्रेस आउट नहीं हो पाए थे थोड़ा सा, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी वही थी। पुलिस को उस समय ये चाहिए था कि पिछले बार 12:30 बजे अलार्म हुआ था कि यहाँ कोई व्यक्ति घूम रहे हैं या कोई चोर आए हैं, उसके ऊपर पुलिस पहुंची, लेकिन तलाशी करके वापस चली गई। सेम इंसिडेंट, सेम वारदात, सेम रात 1:30 बजे वापस सूचना मिलती है, लेकिन 4 अधिकारी गए हैं पुलिस के, वहाँ पहुंचे, लेकिन उनको जनता का सहयोग लेना चाहिए था, उनको जगाना चाहिए था। उनका अगर मान लो होता तो एक मौत की ये जो है, यानी कि अनिल जी ये कह सकते कि तिश्री करने पुलिस वहां पर गई थी। हाँ, तिश्री करके वापस लौट आए आप? इतिश्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक एक जो कमी है वो जरूर उजागर करेंगे। आइंदा इसका कम से कम जनता को अगर जगा लेते और बात करते, विश्लिंग करते और लोग बाग को कहते कि भाई यहाँ से सूचना आई है, आसपास जो सुने घर हैं उसमें देखिए, जिसने सूचना दी है उनको पूछते कि कहाँ से आए, क्या हुआ, उसी समय कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह देख लेते। सवाल ये है कि सबक क्यों नहीं लिया जाता? जब कोई वारदात हो जाती है घटित, उसके बाद क्यों जागते हैं हम? उसको पहले रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? और कौन जिम्मेदार है? और यहाँ पर मीना जी सवाल ये कि आपके पुलिस वाले इतने बेखौफ कैसे हो जाते हैं? आते तिश्री करते और चले जाते, क्या उनके पेंच कसने वाला कोई नहीं बैठा है? उनके ऊपर आला अधिकारी सो रहे हैं और उनके ऊपर जो बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो भी सो रहे हैं? सुषमा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पेज कसने की बात या मॉनिटरिंग करने की बात है तो न केवल थाने स्तर पर, थाने के ऊपर अधिकारी और डिप्टी और डिप्टी के ऊपर एसपी और एसपी के ऊपर डीआईजी, मतलब एक पूरा चैन बना हुआ है। वो चैन सबको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चैन पूरी मुस्तैदी से मॉनिटरिंग करती है और किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाए, इस बात की पूरी चिंता करती है। क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं बनती? यही कारण है हमारे शासनकाल के अंदर जितनी मॉनिटरिंग इतनी परफेक्ट होने का, यही कारण है कि अपराध का दर हमारे हमारे शासनकाल में गिरा है। ये कांग्रेस इस पर राजनीति भले ही कर ले, परंतु आंकड़े बताते हैं कि 2008 से 13 के बीच में 6% अपराध हर साल बढ़ रहे थे, जबकि 2013-2018 जब हमारी सरकार रही है 4.5% अपराध हर साल कम हुए। क्या हालात होंगे अगर आप आंकड़े को देखिए? केवल आरोपों की राजनीति नहीं कर सकती, उनको पूछने वाला नहीं है। आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, आपके शासन के अंदर अपराध बढ़ रहे थे। मेरा सवाल आपसे है कि जिम्मेदारी जिनकी बनती है उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? गोपालपुरा वाला एक मामला आपको याद होगा, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, छोटी बच्ची की जान पर बनाती है, तब ये घटना सामने आई, तब सियासत हुई, और अब फिर से इस तरह की घटना एक के बाद एक सामने आ रही, जिम्मेदारी तो बनती ना। जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक शायद तस्वीर नहीं सुधरेगी संभलेगी, लेकिन कार्रवाई तो होती नहीं सर, सियासत होती है सिर्फ। सुषमा, इसमें सियासत की कोई बात नहीं, सरकार कानून व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैदी से देख रही है और अपराधियों को तुरंत पकड़ना काम कर रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे सरकार के अंदर अपराध कम हुए। कार्रवाई की कि नहीं की सर, ये पूछा था हमने। आप कांग्रेस को क्यों लेकर आए बीच में? देखिए, कांग्रेस को बीच में लाने का कारण यह है कि कांग्रेस केवल आरोपों की राजनीति करती है, एक ये केवल गिद्ध राजनीति करती है कि कोई आदमी मरे तब हम उसके ऊपर हमारा सियासी बयान दे और सियासी बयान दे हमारे वोट बैंक पकड़ा। बात करना चाहते हैं आंकड़ों की, बात करिए, जब हमारे सरकार के वहाँ आंकड़े बता रहे कि अपराध कम हुए, फिर आप किस किस आइए इस प्रकार का आरोप लगा सकते हैं? आप अपने गिरेबान में जाके देखिए, जेलों के अंदर मर्डर किए जा रहे हैं, इसके लिए क्या फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार?
पूछा मैंने। सुषमा, विश्व के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अपराधी को अपराध करने से रोका जाए। हाँ, पुलिस की अगर इकबाल बुलंद रहता है तो अपराध कम जरूर होते हैं, अपराध को रोका कतई नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि अपराध को रोका जा सके, तो हम बाहर ही ना निकले। हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान घर में भी आपने ताला लगा के जाते रहे, क्या वहाँ अपराध को रोकने का मैकेनिज्म है? ये कह रहे हैं ना, खुद की पहरेदारी हम खुद करें, खुद की सुरक्षा के जिम्मा हम खुद संभाले, आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकार में यही चाहिए। हाँ। इस सरकार के अंदर आम जनता खुद के स्वविवेक पे और खुद की रक्षा खुद ही कर रही है। पुलिस प्रशासन फेल है, यहाँ सरकारी तंत्र फेल है। अरे पुष्पेंद्र जी, अपने सरकार की याद करिए, आपके सरकार में तो आपके नेता खुद अपराध कर रहे थे, आपके पांच पांच मंत्री जेल के अंदर चले गए थे। आप अपने सरकार की याद करिए, आप ये आरोप लगा दीजिए, ये सियासत नहीं चलेगी। आप तथ्यों में क्या बात करिए हमसे, क्या अपराध आपके समय कम हुआ था, क्या आपके पास अपराध कम करने का मैकेनिज्म है, शांत हो जाइए आप लोग, बिल्कुल शांत हो। सियासत की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर जनता की बात हो रही है और सर बता रहे कि क्या वाकई में कोई मैकेनिज्म है नहीं, और अगर नहीं है तो इतना बड़ा बजट क्यों जाता है फिर गृह मंत्रालय के लिए, गृह विभाग के लिए, पुलिस मैकेनिज्म है इसके लिए और पहले रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक डीएसपी ब्रांच हुआ करती थी, वहाँ पे कोई ना कोई एंटी बर्गलरी थेफ्ट स्क्वाड हुआ करता था। आज राजधानी में इसकी आवश्यकता है कि इस तरह की वारदात रोकने के लिए एक सेल बनाया जाए। दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में भी आज मौजूद है, यहाँ पर भी बनाने की आवश्यकता है। पहले थे वो सारे खत्म हो गए। नंबर एक, जिनका चालान हुआ है, जो पुराने अपराधी रहे उनका रिकॉर्ड, उनका डेटाबेस करके उनको बारी बारी चेक किया जाए। इनके जो आने जाने की जो तारीख पेशी है उनका ध्यान रखा जाए। और एक वारदात का जो तरीका है, और ये वेल नोन है कि पारदी गैंग इस तरह से वारदात करता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ जाके उनके बारे में सूचना एकत्रित की जाए, जेल में जाके, न्यायालय में जाके उनकी तारीख पेशी का पता लगाया जाए। इसके लिए एक सेल अलग से बनाए जाने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जयपुर में ज़्यादा रहता है, सारी पुलिस उसमें व्यस्त रहती है। इसके लिए अलग सेल होना मेरे दृष्टि से आवश्यक है, ताकि उसकी एक जिम्मेदारी और वो लगातार इस वारदातों का पीछा करते रहे। अच्छा अनिल जी, क्या एक दुश्वारी पुलिस के सामने ये भी आती कि वीवीआईपीज की वीआईपीज की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा होती है, उनकी सुरक्षा इतनी ज्यादा तरजीह पर होती है कि आम जनता की सुरक्षा भूल जाते हैं, पुलिस फोर्स की कमी देखने को मिलती है, ये भी क्या एक बहुत बड़ी मुश्किल, और खासतौर पर जो चुनावी मौसम होता है उसमें ज्यादा? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे थाने पे जो स्टाफ है, जो नफरी है, वो इन सारे वारदातों से निपटने के लिए बड़ा ही कम है। और ये पुलिस बल अभी भी आप देखिए कि अभी 14 लाख बैठे हैं 12,000 की भर्ती के लिए, तो कितनी बेरोजगारी भी है, प्लस हमारे कमी भी है। अब ये आएंगे, ये 2 साल के अंदर, 1 साल ट्रेनिंग होगी, 1 साल फील्ड में रहेंगे, उसके बाद तैयार होंगे, थानों पे लगेंगे, तो ये लगातार रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग दे के इस तरह की वारदात को रोकने के लिए एक स्पेशल सेल हर जिले में, हर स्तर के ऊपर, इवन पुलिस मुख्यालय में भी पहले हुआ करता था, वो भी अब बंद हो गया है, उसको भी एक्टिवेट करने की जरूरत है, ताकि अंतरराज्यीय जो अपराधी हैं उनके ऊपर अंकुश किसी ना किसी रूप में लगाया जाए। मीना जी से जवाब लेते हैं। मीना जी, कभी शायद इस दिशा में आपने सोचा ही नहीं, जिस धर्रे पर पुलिस चल रही है उस धर्रे पर चलती जा रही है। 2016 से इस तरह के गैंग्स की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, और खासतौर पर पारदी गैंग की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है, पूरे राज्य में दिखाई देता है। तो क्या कभी ये विचार नहीं आया, क्या कभी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि कम से कम इसको लेकर एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाए, अलग कोशिश की जाए, ताकि इस तरह के गैंग्स पर नकेल कसी जा सके, ताकि जनता एक आदमी जो बेचारा किसी तरह से पूरी जिंदगी कमा करके कुछ जोड़ता है वो ना लूट सके। देखिए, अभी गोठवाल साहब ने जो बात कही वो वाकई काफी हद तक ठीक है कि नफरी की कई बार कमी रहती है, वीआईपी ड्यूटीज में भी रहता है, और इस बारे में देखिए हमारी सरकार में काम भी हुआ है। वीआईपी कल्चर हमने खत्म तो नहीं कर पाए, पर कम करने की कोशिश हमने करी। उसके अलावा जो नफरी की कमी की जहां तक बात आती है, देखिए अभी पिछले एक साल के अंदर 19,000 कांस्टेबल्स की भर्ती करने का हमने काम किया। निश्चित रूप से हमारी सरकार इन छोटी छोटी बातों के ऊपर एक्सरसाइज जरूर कर रही है और कोशिश कर रही है कि अपराध कम हो। परंतु मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, विश्व के अंदर कोई सा ऐसा शहर नहीं है जहाँ अपराध रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। मीना जी, बाईपास और खासतौर पर जो हाईवेज के इलाके हैं, उनकी स्थिति क्या है, वहां पर क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था है, वो सबको पता है,
क्या आप उसको भी झुठला देंगे, क्योंकि इस तरह के गैंग सबसे ज्यादा वहां पर सक्रिय होते हैं? पिछले छह महीने से नहीं, मैं छह महीने ने लगभग एक साल के कहूंगा, जयपुर के और जयपुर के सराउंडिंग सारे हाईवे के जो लूट बर्गलरी के जितने किस्से हो रहे थे वो सारों में रोक लगी। क्यों? क्योंकि वहां के पुलिस ऑफिसर मुस्तैदी से लगे हुए थे। पुष्पेंद्र जी, क्या वाकई में हालात बदले हैं? आप एक साल का कोई रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि जयपुर के सराउंडिंग किसी हाईवे के ऊपर इस तरह का किस्सा हुआ हो। देखो अभी आप शायद, आपको मैं वापस रिमाइंड करवाता हूँ, पुराने आप यादाश्त में जाइए, यहाँ जयपुर के आसपास ये पहली बार हुआ। पिछले 40 साल 50 साल के इतिहास के अंदर, पिछले दो साल तीन साल के अंदर जयपुर के सराउंडिंग में हाईवेज के ऊपर लोग लूटे आपको सुनना नहीं चाहते, आपकी बात आराम से सुनी गई है ना, मैं भी तर्क के साथ बता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप हाईवे की घटना का कोई एक उदाहरण मुझे बताइए कि ये साल भर में हुआ, जब मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि साल भर में एक हाईवे से कोई घटना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस ने पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म किया और हाईवे के बर्गलरी रोकने के लिए हरियाणा तक में जाकर हमारे पुलिस ने ऑपरेशंस किए। यहाँ पे जब लगातार शहर के अंदर तो वारदातें बढ़ रही है, चलिए चलिए एक बात रह लेकिन बस एक संक्षेप में बस यही है कि क्या हम उम्मीद करें कि हम महफूज रहेंगे? मीणा जी, बिल्कुल बिल्कुल सुषमा, हमको पूरी उम्मीद रखनी चाहिए पुलिस पर, सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, सरकार को पूरी तरह मुस्तैदी से कोशिश करेगी कि ऐसा अपराध नहीं हो, और अगर अपराध होता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीणा जी, पुष्पेंद्र जी और अनिल जी, आप सभी का तो विश्वास ही हम करते आ रहे हैं कि विश्वास ये कि हमारी सुनी जाएगी, विश्वास ये कि कम से कम हमारा हक हमें मिलेगा, विश्वास ये कम से कम हमारी बेटियां, हम सभी महफूज रहेंगे, हमारे घर वाले महफूज रहेंगे, हमारी गाढ़ी कमाई महफूज रहेगी। लेकिन कैसे, इसका जवाब नहीं मिल पाता है तो हम सवाल उठाएंगे और उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।